आज बच्चों हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इन द बेस थ्योरम। एक लेटर आया है, या तो वो टाटा नगर से आया है, या लिखो, अ लेटर इज नोन टू हैव कम फ्रॉम आइदर टाटा नगर और कैलकटा। ऑन द एनवेलप जस्ट टू कंसेक्यूटिव लेटर टी ए आर विजिबल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर हैज कम फ्रॉम टाटा नगर और सेकेंड पार्ट है कलकत्ता। टाटा नगर और कलकत्ता। हाँ जी प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो। आपके रिश्तेदार टाटा नगर में रहते हैं या कलकत्ता में रहते हैं, आपका लेटर सिर्फ दो ही जगह से आ सकता है, टाटा नगर से आ सकता है और कलकत्ता से आ सकता है। और जो आपको इन्वेलप मिला है उस पर क्या नजर आ रहा है बच्चों? टी ए नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? टी ए। बात है समझ आई? क्या नजर आ रहा है? सिर्फ टी ए। और टी ए जो है बच्चों, आप देखो कंसेक्यूटिव लेटर है। पहली बात तो आपको ये समझ आ रही है। पहली बात वो पूछ रहा है पहले पार्ट में कि लेटर जो है वो टाटा नगर से आया है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो यदि आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है और अच्छा है, तो आपको पता चल जाएगा कि जो लेटर आप देख रहे हो उसमें आपको खोलने से पहले पता चल जाएगा कि वो टाटा नगर से है या आपका कलकत्ता से है, और कितने चांसेस हैं उसमें से होने के। अब सबसे पहले बच्चों हम लेते हैं, बच्चों लेटर दो ही जगह से आ सकता है, टाटा नगर से और कलकत्ता से। तो इसको इवेंट हम ले लेते हैं बच्चों, ई ले लेते हैं, टाटा नगर से आ रहा है। ई का मतलब किससे आ रहा है बेटा? टाटा नगर से। और एफ ले लेते हैं, कलकत्ता से आ रहा है। यहां तक बात, इसके चांसेस क्या है बच्चों? हाफ। दो ही जगह से हमारे पास लेटर आता है, या तो टाटा नगर से आता है या कलकत्ता से आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो गई? हाफ। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी क्या हो गई बच्चों? हाफ। बात समझ आई या नहीं? अब उसमें नितिन सिर्फ हमें टी ए नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? टी ए। और टी ए जो है बच्चों एक कंसेक्यूटिव लेटर है। अब टोटल लेटर पढ़ते हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यदि दो कंसेक्यूटिव लेटर हम लेंगे तो उसके पेयर कितने बन जाएंगे? 8। कैसे बनेंगे बच्चों? टी ए टी ए, एक बनेगा ए टी, नेक्स्ट बनेगा टी ए, फिर ए एन, फिर बनेगा एन ए, और उसके बाद बनेगा ए जी, जी ए और ए आर। यहाँ तक बात समझ आती है या नहीं आती? ठीक है रोहित, 1 2 3 7 8। टोटल वर्ड कितने थे हमारे पास? 9। और जो पेयर बन रहे हैं कंसेक्यूटिव वो कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। ठीक है, अब ये बताओ बेटा कि लेटर जो है इसको हम डी मान लेते हैं। डी मतलब वो टी ए उसके ऊपर विजिबल हो रहा है। डी किसको बता रहा है बच्चों? विजिबिलिटी ऑफ टी ए। किसकी बता रहा है बच्चों? विजिबिलिटी ऑफ टी ए। आपका ये दो दोस्त हैं, या तो कलकत्ता में रहते हैं या टाटा नगर से रहते हैं। जब वो आपको लेटर मिला तो उसके ऊपर आपको क्या नजर आ रहा था? सिर्फ टी ए। तो आपने गेस करना चाहते हो कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो लेटर टाटा नगर का हो सकता है या कलकत्ता का। आप खुद आइडिया लो, प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? टाटा नगर वाली ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि यहाँ पर टी ए कितने हैं? दो हैं। तो यहाँ पर डी मतलब किसको विजिबल कर रहा है? टी ए को। और वो किससे किया बच्चों हमने? ई मतलब ई हैज ऑलरेडी हैपेंड। ई में से क्या निकाल रहे हैं बच्चों? डी निकाल रहे हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों? 2 by 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये वाला टी ए और एक ये वाला टी ए, तो 2, और ये टोटल कितने हैं? 8। तो ये आ गई बच्चों 1/4। यहाँ तक बात समझ आई या नहीं? नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी उब्लिक एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी उब्लिक एफ, अब कलकत्ता की बात कर रहे हैं। सी ए एल एल सी सी यू यू टी 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 और टी ए, ये टोटल वर्ड्स थे हमारे पास, 1 2
में से टोटल ये कितने होंगे? 7। और जो हमारी फेवर में है सिर्फ टी पे नजर आ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों? 1/7। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया हुआ बच्चों कि लेटर आ चुका है। क्या आ चुका है? लेटर आ चुका है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टाटा नगर से आया उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है, कलकत्ता से आया उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है, उसमें टी ए विजिबल हो रहा है तो ई आ चुका है और विजिबिलिटी मतलब डी आ चुका है, विजिबिलिटी हमें नजर आ रही है। और अब हम ये गेस करना चाहते हैं कि वो कहां से आया हो? टाटा नगर से आया हो। किससे आया हो? टाटा नगर से। तो अब आपको बेस थ्योरम मालूम है बच्चों, तो 1/2 इंटू 1/4, 1/2 इंटू 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1/7, तो ऊपर आंसर आया 1/8, 1/8 प्लस 1/14, तो ये आया 1/8। और 14 और 8 का आप एलसीएम लोगे 56, 4 आया 1/8 इंटू 56/11, तो ये प्रोबेबिलिटी आई बच्चों 7/11। यदि लेटर आपका टाटा नगर से आया हो तो टोटल चांसेस कितने बनेंगे? 11। तो 7 जो है वो आपकी क्या है बच्चों? फेवर में। 7 क्या आपकी? फेवर में। अब कलकत्ता से आया हो तो उसके लिए हम क्या लेंगे? विजिबिलिटी तो हमें टी ए नजर आ रही है लेकिन वो आया कहाँ से? कलकत्ता से। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? 1/2 इंटू 1/7 अपॉन 1/2 इंटू 1/4, नीचे पूरा सैंपल स्पेस आता है 1/2 इंटू 1/7, तो ऊपर हमारा आ गया 1/14 और नीचे आ गया 11/56, तो 1/14 इंटू 56/11। और इसके चांसेस कितने हैं बच्चों? 4/11। तो अब आपको लेटर देखते ही पता चल रहा है कि ये लेटर पक्का किसमें से होगा? टाटा नगर में होने के उसके चांसेस कितने हैं? 7/11। और कलकत्ता में होने के चांसेस कितने हैं बच्चों? 4/11। तो बेटर कौन सा है बच्चों? टाटा नगर। क्यों? उसके अंदर टी ए क्या थे? डबल। और वर्ड भी क्या थे? ज्यादा थे। तो इस तरह आप इसको एनालाइज कर सकते हो, समझ सकते हो, इसको बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है।